आकाश, आकाश, आकाश आके खोलो। नहीं नहीं, तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। आकाश प्लीज आके खोलो, आकाश प्लीज, आकाश। नहीं नहीं, आप ही क्या करें, ये सब तेरी वजह से हुआ है। आंटी, मामा जी, मामा जी, मामी जी, आकाश, आकाश, नहीं, नहीं। मेरे रास्ते में नहीं आती तो आज तेरा पति जिंदा होता, तेरी वजह से मरेगा, ये मरेगा। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैम, पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। सिस्टर, उन्हें कब तक होश आ जाएगा, हमें उनका स्टेटमेंट लेना है। बिल्कुल भी नहीं, एक बार मना कर दिया तो मना कर दे। सर, आप एक बार खुद पेशेंट की हालत देखिए, हम उन्हें इस हालत में शिफ्ट नहीं कर सकते। अरे नो मींस नो, आपको पता आकाश की हालत क्यों हुई, क्योंकि जो लोग उसे यहाँ पे लेकर आए हैं ना, उन्हीं लोगों ने उसकी हालत करी है। और आप ये चाहते हैं कि उन्हीं लोगों के बीच में उसको यहीं छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं, आकर्ष यहाँ नहीं रहेगा। मैम, आप तो उनकी माँ हैं, आप समझाइए इन्हें। पेशेंट एक क्रिटिकल ऑपरेशन से बाहर निकला है, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की सख्त जरूरत है। इसीलिए मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए तो वो सिर्फ एक पेशेंट है, लेकिन हमारे लिए हमारा सब कुछ है। आप अपनी नर्सेस को ना घर पे शिफ्ट कीजिए, और जो भी ऑब्जर्वेशन और टेस्ट करने हैं ना, वो घर पे कीजिए। दीदी, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा, हम आकाश को घर ले जाएंगे। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या घर, आकाश को बचाने के लिए टाइम को रोकना होगा। वो ये सब मुझे दर्द देने के लिए कर रही है, ताकि ताकि मैं उसे वो बच्चा सौंप दूं। जिंदा है वो, अब बताओ लड़का कहाँ है, दे मुझे लड़का। अब विनाश तेरा होगा, तेरे गुनाहों की सजा अब तेरा परिवार भुगतेगा, तेरी आंखों के आगे टूटेंगे, तड़पेंगे। पर मैं उस बेचारे बच्चे की जान खतरे में कभी नहीं डालूंगी। लेकिन लेकिन मैं आकाश को कैसे बचाऊं डायन से? ये भगवान क्या करूं मैं, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। रियान, रियान, कितनी बार कहा इस लड़के को खाना खाने के टाइम पे कहीं मत जाया कर। पहले तो जब देखो मम्मी ये बना दो वो बना दो, पता नहीं भूख कहाँ मर गई है इस लड़के की। श्रेयान, श्रेयान, तू यहाँ क्या कर रहा है? कितनी बार कहा है कि खाने की टेबल से हटा मत कर, चल। We'll be right back.
उनका आदेश आया है, नया दोस्त आने वाला है, तुम्हें उनका काम करना है। क्या करना होगा मुझे? कल सुबह महल जाना है तुम्हें, पहुंच जाना। श्रेयांश, 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? और कितनी बार बोला खाना खाने के टाइम पे यहाँ वहां मत जाया कर। ए चिपकली, शाम के वक्त खिड़की के पास मत खड़ा रहा कर, चल चला। खाना खाने के बस नखरे, आजा चल। I'm sorry आकर्ष, I'm really very sorry। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। मुझसे बातें करो आकाश, प्लीज आके खोलो, प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी किस्मत तो देखो, आज जब मुझे अपने प्यार का एहसास हो, आज जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ, तब तुम्हें ठीक होना होगा मेरे लिए, तुम्हारे लिए। फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने मंगलसूत्र की पावर्स क्यों नहीं यूज करी? क्योंकि इस मंगलसूत्र में पावर है ही नहीं। जानवी ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने इस मंगलसूत्र की एनर्जीज को खुद फील करा है? हाँ, क्योंकि तब वो मंगलसूत्र असली था, अब मेरे पास जो मंगलसूत्र है वो नकली मंगलसूत्र है वीर। क्या? ये किसने किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है। किसी ने मंगलसूत्र को बदल दिया है वीर, लेकिन डायन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि डायन इस मंगलसूत्र को तो हाथ भी नहीं लगा सकती। समझ में नहीं आ रहा है कि वेट अ मिनट, ये काम नंदिनी का तो नहीं है? वो भी मंगलसूत्र के पीछे ही पड़ी हुई थी, तो मे बी इट्स नंदिनी। सही कह रहे हो तुम, हो सकता है। नहीं नहीं, लेकिन नंदिनी तो पिछले दो दिनों से खुद ही डायन के कब्जे में थी। वीर, अगर नंदिनी के पास ये मंगलसूत्र होता तो डायन उसे हाथ भी नहीं लगा पाती। नहीं नहीं जानवी, तुम भूल रही हो, इस मंगलसूत्र की पावर्स को सिर्फ तुम यूज कर सकती हो। आदित्य वंशियों की बहू तुम हो, इस मंगलसूत्र की असली हकदार सिर्फ तुम ही हो। तुम ही हो जो डायन को तुम्हारे पास आने पे मजबूर कर सकती है, तुम ही हो जो डायन को मार सकती है, खत्म कर सकती है। बाकी किसी के लिए भी ये मंगलसूत्र जस्ट अ पीस ऑफ ज्वेलरी, एक यूजलेस चेन है। सही कहा तुमने वीर, अभी ये मंगलसूत्र भी मेरे किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ मेरे सुहाग की निशानी है। लेकिन फिर भी मेरी किस्मत तो देखो, अब मैं अपनी सुहाग को ही नहीं बचा पा रही। लिसन जानवी, जस्ट काम डाउन, के पता नहीं क्यों पर मुझे अभी भी नंदिनी पे ही शक है। मुझे ऐसा लगता है जानवी कि वो तुम्हें मार के किसी तरह इस मंगलसूत्र की असली हकदार बनना चाहती है, आकर्ष से शादी करना चाहती है। व्हाटएवर इट इज, जस्ट लेट इट बी, आई ट्राई टू फिगर दिस आउट। ओके, थैंक यू सो मच वी, गो एंड टेक केयर ऑफ हिम, उसका ध्यान रखो। ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? आकर्ष, 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 ये ऐसा क्यों हो रहा है? सिस्टर,
कहाँ जा रहा है? ये तो खत्म हो गया। जानवी, माई कहाँ है आप? माई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब सुन। मेरा कवच ही तेरे पति को बचा सकता है। लेकिन माई, आपका बनाया हुआ एक ही तो कवच है, वो भी आपके पोते अमृत के गले में। अगर मैंने उसे उसके गले से वो कवच निकाल लिया तो वो बेचारा खतरे में आ जाएगा। डाइन वैसे भी अमृत को अपने काबू में करना चाहती है। हाँ, इसीलिए तू वो कवच नहीं उतारेगी। डाइन नहीं जानती, लेकिन वही शक्तियाँ तू एक और चीज के जरिए भी इस्तेमाल कर सकती है। कौन सी चीज? और वो चीज यहीं पर इसी महल में है। इसी महल में? मैं समझी नहीं माई, कौन सी चीज? सफेद और काले पत्थरों से बने इस महल में एक लाल पत्थर भी है। उस लाल पत्थर में छिपी है ऐसी अलौकिक शक्तियाँ कि अगर तू उसे मेरे पोते के कवच को छूकर अपने पति के हाथों में रख देना तो वो कवच का काम करेगा, तेरा पति ठीक हो जाएगा। सच माई? माई कहाँ मिलेगी मुझे वो लाल पत्थर? इस महल में कहाँ ढूंढो, बताइए ना माई। माई माई बता कर तो जाइए। माई माई कहाँ चली गई? माई माई तुम उठ गई? कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। मुझे क्यों, कुछ चाहिए था तुम्हें? हाँ, जवाब क्या हुआ था मुझे? कहाँ थी मैं इतने दिनों से? किया क्या था तुमने? नंदिनी तुम ठीक तो हो ना? नंदिनी होश में आ। नंदिनी क्या हो गया तुम्हें? अभी जिंदा है, ये तभी उठेगी जब तू मेरा काम पूरा करेगी। आज रात पूरी होने से पहले तू मेरा शिकार मुझ तक लेकर आएगी। जानवी आंसर मी। नंदिनी तुम मुझे रास्ते पर मिली थी बेहोश। रुवली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये सब बकवास मान जाऊंगी? जो सच्चे में वही कह रही हो। लेट मी थिंक, तुमने मुझे किडनैप करवाया ताकि ए तुम मुझे धमका सको कि तुम किस हद तक जा सकती हो, और बी मुझे जिंदा वापस लाकर सबके सामने हीरो बन जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम नंदिनी? क्यों, जब मैं बेहोश हुई थी ना, जो आखिरी चेहरा मेरे सामने था ना, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। वो तुम थी जानवी। जवाब तो जानवी, क्या हुआ था उसके बाद? किसे बेहोश हुई थी मैं? कहाँ थी मैं उस दिन? बोलो जानवी बोलो। तेरी कसम सुनना है ना तो सुनो, डाइन उठाकर लेकर गई थी तुम्हें और मैंने तुम्हें बचाया है। ठीक है, अब तुम्हारे इन बकवास का मेरे पास और वक्त नहीं है। आकाश बीमार है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा। थैंक यू सो मच। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जवाब भी देना होगा और समझाना भी पड़ेगा जानवी। इतने बड़े महल में कहाँ ढूंढूं मैं वो लाल पत्थर? खुद समझ में नहीं आ रहा है। भाभी आप परेशान लग रही हैं। आप भी परेशान मत होइए, भैया ठीक हो जाएंगे। अब चाय पीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? अच्छा, तुम इस महल में इतने सालों से काम करती हो, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अमृत के घर पे लेकर गए, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। आई एम सॉरी, किसी को पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस।
आशा, आशा तुम्हें भी एक और मदद करनी पड़ेगी, प्लीज आशा। अब क्या करना होगा भाभी? तुम इस महल में सालों से काम कर रही हो, तुमने इस महल में कहीं पे भी लाल पत्थर देखा? लाल पत्थर? हाँ, लाल पत्थर का बना हुआ कुछ भी, कोई पास हो, शोपीस हो, मूर्ति हो, कुछ भी। अच्छा प्लीज गौर से सोचो, याद करने की कोशिश करो, कहीं पे कुछ तो देखा होगा तुमने कभी भी। नहीं भाभी, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने ऐसे कोई लाल पत्थर नहीं देखा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसी महल में है। आशा प्लीज याद करने की कोशिश करो, प्लीज सोचो। आशा प्लीज। आशा, दीदी ने तुम्हें चाय लाने के लिए बोला था ना, तुम यहाँ पे गप्पे मार रही हो? भाभी मैं आती हूँ। ये मौका भी हाथ से चला गया। अरे जानकी बेटा, आकर्ष कैसे हैं आप? आप फिक्र मत कीजिए आंटी, वो ठीक है, आराम कर रहे। हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। पहले खुद को अरेस्ट करवा लिया, फिर लॉकअप में ये वारदात, और अब डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा कि उनकी इस हालत की वजह क्या है। इतनी बड़ी वजह तो आपके सामने खड़ी है दीदी, बस आपको ही नहीं दिखता। इसकी वजह से आज मेरा भांजा ऐसी हालत में, जिस दिन से ये घर में आई, वो भी धोखे से शादी करके, उस दिन से कोई ना कोई कांड हो ही रहे। पहले वो खून हुआ, फिर पुलिस के चक्कर, और अब ये सब। दीदी, अंधविश्वास उससे बोलते हैं जो हम आंखें मूंद के मान लें, लेकिन जो चीज आपकी आंखों के सामने बार बार हो रही हो और आप उसे देखकर अनदेखा कर देना, तो उसे फिर हमारी ही बेवकूफी कहते हैं। दीदी, आज तक आप कहती थी और मैं सुनता था, आज मैं कह रहा हूं और आप सुनिए। इसको इसके घर वापस भेजिए। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? बहू है वो हमारी, बेटे से बढ़कर तो नहीं है ना। भैया प्लीज, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, आप ये सब मत शुरू कर दीजिए। आप पता करिए कि दिल्ली से डॉक्टर्स कब आ रहे हैं। दीदी मेरी बात सुनिए, मैं आकाश का दुश्मन तो नहीं हूं ना, उसकी जिंदगी का सवाल है ये। ओह क्रैप, मुश्किल से सबकी आंखों से बच गई, दोनों बहनों का रूम छान लिया, पर मंगल सूत्र नहीं मिला। ना कुछ शक करने लायक चीज, ना कुछ अजीब, छोड़ू तो कहां ढूंढू, क्या करूं? चलो चले चलो। नंदनी है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? इसने देखा तो नहीं ना तुम्हें? और ये आदमी कौन है? सामान ठीक से लाया हूँ ना? हाँ बिल्कुल। ध्यान से, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा खतरनाक, ये सांप दुनिया में सिर्फ दो ही जगह पाया जाता है। इतना जहरीला कि अगर एक बार ढस लेना तो एक मिनट में हाथी जैसे जानवर को भी मार गिराता है। इंसान का काम हो जाए काफी है। वैसे यू नो, नारियल पानी काफी रिफ्रेशिंग होता है। किसी बीमार आदमी की रात भर सेवा करने के बाद बहुत थकान होती है, तो दिस इज परफेक्ट। वैसे भी पिछली बार तो छत से गिर के भी बच गई थी, तो नारियल पानी तो बनता है ना। अच्छा आप तुम जल्दी से निकलो यहाँ से, अब सामान तो दो, को देखना लिया। ठीक है, क्या बात कर रही है? Damn you, नंदनी, ये नारियल जानवी तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे कुछ भी करके इस नारियल को जानवी तक पहुंचने से रोकना होगा। कहाँ गई, कहाँ चली गई?
अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। I miss you। अरे बातों बातों में तो भूल ही गई। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा फेवरेट रेड रोज। I love you। जब कोई किसी से बहुत प्यार करते है ना तो बेहोशी में भी उसकी आवाज उस तक पहुंच जाते। तुम मुझे सुन रहे हो ना आकाश? कुछ याद आया, आपको बताना था इसलिए यहाँ आई। बात क्या है? अभी वो बाई थी ना जिसकी मौत हो गई, वो सफाई के बहाने ना एक एक कपड़ा छाटती थी। उसे लगा कि पुराना महल है, उसे कोई ना कोई छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा। सफाई करते करते उसे देखाने में एक कमरा मिला। हाँ, और उसने मुझे एक दिन बताया था कि उस कमरे में उसे बहुत सारा फेंका हुआ सामान मिला जिसमें एक भारी सा लाल पत्थर भी था। तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? ये कैसी जगह है आशा, यहाँ पे कोई नहीं आता है क्या? नहीं भाभी, ये जगह बंद ही रहती है। आइए। आशा कुछ मिला? नहीं भाभी, सामान तो बहुत है यहाँ, बस लाल कुछ नहीं। तो फिर आगे वाले कमरे में ढूंढते हैं। चलो। चलो बाहर चलते, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये वही लाल पत्थर है आशा। भाभी आपने आवाज सुनी? मुझे तो डर लग रहा है। ये तो बहुत भारी है, इसे हम अमृत तक कैसे लेकर जाएंगे? ये पत्थर अमृत तक नहीं जा सकता है तो क्या हुआ? हम अमृत को यहाँ लेकर आएंगे। अमृत यहाँ? हाँ आशा, आकाश और अमृत दोनों को यहाँ लाना होगा। भाभी अमृत का तो नहीं पता, लेकिन मामा जी आपको आकाश भैया को कभी यहाँ नहीं लाने देंगे। I don't care आशा, आकाश मेरे पति हैं, उन्हें बचाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगी। कैसे भाभी, कैसे करेंगे? तुम एक काम करो, तुम जाकर मुझे अमृत के घर का नंबर ला कर दो। हाँ चलिए चलिए। हेलो। हाय मैम, मैं द फोर्ट पैलेस होटल से बात कर रही हूँ। फोर्ट पैलेस होटल? एक्चुअली एक लकी ड्रॉ में आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है, तो फोर्ट पैलेस होटल से आपको एक फ्री लंच मिलता है, आपको और आपके पूरे फैमिली के लिए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आप इंटरेस्टेड हैं? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके कंफर्म करूं? नहीं एक्चुअली हमें अभी बताना पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रजिस्टर कर लीजिए। वेलकम। So ma'am, you're coming with your family? Actually, my husband is out of town. So, मैं और मेरा 9 साल का बेटा। Just two of us. Sure ma'am, sure. I'll see you here. Thank you so much. Thank you. Thank you ma'am. मेरी मदद करने के लिए। Thanks.
जानवी बेटा। जी आंटी जी। हम सोच रहे थे कि बेहतर होगा कि आप कुछ दिनों के लिए मायके हो आए जब तक आकर्ष ठीक हो जाता है। नहीं आंटी, मैं बाद में चली जाऊंगी, अभी आकर्ष को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। इसी हालत के कारण हम ये कह रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, लेकिन मैं आकर्ष का ख्याल रखना चाहती हूँ। अच्छा, कैसे? फिर से उसको मुसीबत में डालकर? अब तक जो तुमने इतना खतरनाक ख्याल रखा है वो काफी नहीं है। देखिए मामा जी, मैं जानती हूँ कि आप इन सारी चीजों के लिए मुझे जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन बेटा हमारा आकर्ष के अलावा और कोई नहीं है। हम नहीं जानते ये सही है या गलत, पर सच तो यही है कि आपके रहते पिछले कुछ दिनों से आकर्ष को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी बट ही इज वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। आई एम सॉरी। आंटी जी, आप समझने की कोशिश। सुन ली, दीदी का फैसला क्या है? बाहर गाड़ी रेडी है तुम्हारे जाने के लिए, सामान भी रख दिया है, तो इसलिए यहाँ से सीधा बाय बाय। मामा जी, तू दाल खाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आया है? चल। मम्मी प्लीज, मुझे यही की दाल खानी। अरे ये कैसे जिद है, 5-star होटल में दाल खाएगा? मम्मी, मेरा एक दोस्त आने वाला है, मुझे उसको दिखाना है कि मैं यहाँ पे आता हूँ। चल। सफेद और काले पत्थरों से बने इस महल में एक लाल पत्थर भी है। उस लाल पत्थर में छिपी है ऐसी अलौकिक शक्तियां कि अगर तू उसे मेरे पोते के कवच को छूकर अपने पति के हाथों में रख देना तो कवच का काम करेगा, तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब ड्राइवर गाड़ी रोकिए। मैम, मुझे आपको घर छोड़ने का ऑर्डर मिला है। भूलिए मत, मैं आपके बॉस की बीवी हूँ, मुझे मना करना मतलब आप उन्हें मना कर रहे। गाड़ी रोकिए प्लीज। ठीक है मैम। अब और हाँ, घर पे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझे? अब भैया आप जल्दी से फूड पैलेस लीजिए, थोड़ा जल्दी। हाँ वो लोग पहुंच गए होंगे, मैं क्या करूं? वीर को फोन करते हैं। अब वीर, तुम होटल में हो क्या? अरे क्या सीन है तुम्हारा, मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं पिक कर रही हो? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, घर में ना एक नारियल पानी। लिसन, अब तुम्हें काम करना होगा, ठीक है? मैं 15-20 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी, मैं रास्ते में ही हूँ, लेकिन तब तक मेरा एक काम कर दो प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। तुम इसमें बाहर हो जानवी, सब ठीक तो है ना? ये ओके वीर, मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगी, अभी तुम एक काम करो, तुम होटल रिसेप्शन के वहाँ पे ना छुप जाओ कहीं पे। एक औरत आएगी 10-12 साल के बच्चे के साथ, उस बच्चे का नाम अमृत है, वो लेडी कहेंगी कि उन्हें फ्री लंच मिलने वाला है होटल से। तुम कुछ भी करो, बस उन लोगों को रुका के रखो, स्पेशली बच्चे को। जानवी ये क्या पागलपंती वाली बातें हैं यार। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस वक्त आकर्ष के बारे में सोच सकती हूँ। अब तुम प्लीज उस बच्चे को रोक के रखो, मैं अभी बस पहुँच ही रही हूँ। हेलो हेलो जानवी, आपकी नया किस्सा क्या है? नया बच्चा कौन है अमृत? काश मैं जानवी को बता पाता कि नंदिनी उसके लिए क्या क्या प्लान कर रही है। क्या मतलब है इसका कि जानवी हमारे घर पर है? पृथ्वी भैया यहाँ पर? हम तो दामाद जी की तबीयत जानने आए हैं, उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के जानवी मायके क्यों जाएगी? देखिए मेनका जी, जानवी ना हमारे घर पहुंची है और ना वो यहाँ है। सच सच बताइए कि आपने क्या किया उसके साथ, कहाँ भेजा उसे? हम क्यों कहीं भेज? कमाल की बात है ना, दुनिया में कुछ भी होता है आप लोग इल्जाम लगाने यहीं चले आते हैं। अपनी मर्जी से गई है, आपको नहीं बता कर रही तो हम क्या करें? रोज रोज का नया नाटक है, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, तो गई होगी किसी के साथ घूमने। वैसे भी आपकी बेटी को बहुत शौक है बिना किसी को बताए घर से ऐसे निकल जाने का। लेकिन मेरी बेटी, शायद अच्छा ही है कि वो इस घर में नहीं है अभी, आकर जल्दी ठीक हो जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं?
कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेटी जब से इस घर में आई है, इस घर पे आकर्ष पे ना ग्रहण लग गया है। क्या क्या अजीब हरकतें हो रही हैं इस घर में? आप मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए ये वक्त नहीं है नाराजगी जताने का, हमें जानवी को ढूंढना चाहिए। हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई हो, आप प्लीज उनके फ्रेंड्स के यहाँ फोन करके पता करिए। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आप रिसेप्शन में जाके फोन करिए, भैया प्लीज इनकी हेल्प करिए। मैं जानवी हमारी भी जिम्मेदारी है, प्लीज। हमें फोन आया था यहाँ से, आप प्लीज रजिस्टर चेक करिए। श्योर मैम, प्लीज आप वहाँ वेट कीजिए, मैं पता करके बताती हूँ। ओके। तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी वॉशरूम जाके आती हूँ। खेलोगे? चलो उस तरफ। प्लीज मुझे माफ कर देना भगवान, पर मैं इस बच्चे को तकलीफ में डाले बगैर आकाश को बचाना चाहती हूँ। पहुंच गए, गेम खेलने जा रहे हैं ना? दो मिनट में हो जाएगा, कम बहुत मजा आएगा। हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे, इधर ही है, आओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब हम गेम शुरू करें। वो जो लाल पत्थर है ना, वहां जाके तुम्हें अपने ताबीज को उससे टच करना है, बस इतना सा ही गेम है। कुछ नहीं होगा बेटा, ये देखो ये ताबीज है ना, इसे बस ऐसे झुक के टच करना है, बस एक मिनट के लिए, फिर गेम फिनिश, फिर मैं तुम्हें इतना बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। बेचारा बोल भी नहीं सकता। भगवान, अमृत, आकर्ष, बेटा, कैसा बेटा? तुम ठीक हो? अभी कैसा लग रहा है? हाँ मॉम, अभी बेटर लग रहा है मुझे। शायद उस लाल पत्थर की वजह से आकर्ष ठीक हो गया। तुम अभी तक यहीं पर हो? मुझे लगा अभी तक तो तुम घर पहुंच गई होगी। चाची, तू कहाँ थी? बताया तो था आपको, घूमने गई होगी, बेवजह ही सब लोग परेशान हो रहे थे। जानवी यहीं थी, और इसका मतलब जानते हैं ना, जानवी के यहाँ ना होने और आकर्ष की तबीयत का कनेक्शन। क्या कहा था आपने? गलत थे आप, जानवी यही है और आकर्ष भी बेहतर है पहले से। मैं गलत नहीं था। प्लीज, आप सब बस करेंगे? हमारा बेटा अभी अभी ठीक हुआ है और हम इनकी आवाज के अलावा और किसी की आवाज नहीं सुनना चाहते। कैसे हो? Absolutely fine.
इसका मतलब है कवच की शक्तियों ने इन्हें ठीक कर दिया। माही अगर आप नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या करती। थैंक यू सो मच माही। हमें जितनी खुशी हो रही है कि जी ने होश आ गया है, उतना ही हमें केयरफुल रहना होगा। आई नीड टू डू सम टेस्ट। आप सब लोग प्लीज इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। माई, माई कहाँ है आप? माई, माई प्लीज एक बार मुझसे मिल लीजिए। माई, माई आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था। वो लाल पत्थर मैंने ढूंढ के निकाली, अमृत को उस लाल पत्थर तक लेकर गई, लेकिन उस लाल पत्थर ने तो उसका कवच ही खींच लिया। और आकाश, आकाश को मैं उस लाल पत्थर तक लेके जाती, उसके उसके पहले ही उसकी सेहत ठीक हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अब तो अमृत के गले में कवच भी नहीं है। डाइन कुछ करना बैठे, मुझे बहुत डर लग रहा है माई। पता नहीं अमृत कहाँ होगा, किस हाल में होगा, वो मिल भी नहीं रहा है। माई आप सुन रहे हैं ना? माई, बेवकूफ, तूने मेरा काम किया, मैंने तेरे पति को ठीक कर दिया। वादा किया था ना तुझे? कौन सा वादा? कि तू बच्चे को मेरे हवाले करेगी और मैं तेरे पति को ठीक कर दूंगी। मुझे बच्चा मिल गया और मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। तूने क्या सोचा था कि माई तेरी मदद कर रही थी? बिल्कुल नहीं, वो माई नहीं, मैं थी। बच्चा तो मुझे मिल गया और उसे तू ही मेरे पास लेकर आई थी। नहीं, तू हार गई। नहीं, उस लाल पत्थर में कवच की शक्तियाँ बढ़ाने का नहीं, बल्कि कवच की शक्तियाँ मिटाने का जादू है। मेरे वश में ना होते हुए भी तूने मेरा काम कर दिया। मैं चाहूं तुझे इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं, तू मेरा काम करेगी। लेकिन अगर आइंदा तूने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं तुझे उसी वक्त खत्म कर दूंगी। अमृत, मैंने अमृत को आइन के हवाले कर दिया। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया है। तो पूरे होटल में आपके बच्चे को ढूंढ रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो आप घर वापस जा सकती हैं। हो सकता है वो घर ना आ गया। अमृत घूम गया भैया, जानवी भाभी को बताना होगा। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मैम, देखिए आप परेशान मत होइए, वो होटल में होगा तो जरूर मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। आइए, मैं आपको भागकर छोड़ूंगा। कैसे मिलेगा अमृत जब डायन उसे उठाकर चली गई? अरे जानवी बेटा, आप यहाँ हैं? आकर्ष आपको याद कर रहे थे। जी, आप अब तक हमसे नाराज हैं बेटा। I'm so sorry. भैया की बातों में आके बिना सोचे समझे हमने आपको। I'm really very sorry. पर अब हमें यकीन हो गया है कि आप ही आकर्ष का ख्याल रख सकती हैं। जाइए, उनसे मिल लीजिए। इंतजार कर रहे हूँ आपका। कैसी तबीयत है आप? मेरे से काफी बेहतर। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक गहरी नींद में था और तुम्हारी आवाज सुनी और जाग गया। तुम्हारी आवाज में जो जादू है। मॉम बता रही थी कि कैसे तुमने नंदिनी को ढूंढ के मुझे बेगुनाह साबित किया। थैंक यू सो मच। आकाश, हमने क्या डिसाइड किया था? नो सॉरी, नो थैंक यू, राइट?
वैसे उस गहरी नींद में मैंने एक और चीज सुनी तुम्हारी आवाज में। क्या? तुम कह रही थी तुम मेरे बगैर नहीं जी सकती, और ये भी कि यू लव मी। सही सुना ना मैंने? प्यार मुझे ये कैसे हो गया, दिल तेरी राहों में खो गया। होंगे ना अब हम तुम जो। सर आपका इंजेक्शन का टाइम हो गया है। मैम मुझे इन्हें इंजेक्शन देना है। हाँ आप उन्हें इंजेक्शन दे दीजिए, मैं बाद में आती हूँ। तो चाचा जी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी वजह से डायन ने उस तीसरे बच्चे को अपने वश में कर लिया, अब मैं अमृत को कैसे बचाऊं, कैसे वापस ला। बेटा तू नियति को बदलने के मुश्किल रास्ते पर है, अगर तू ना होती ना तो भी डायन बच्चे को उतनी ही आसानी से पाल लेती। तू अपने आप को दोष मत दे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी डायन ने बच्चे को अपने वश में कर लिया ना, हम चाहते थे क्या? नहीं चाहते थे ना। इस समय हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय यह है कि डायन एक नहीं दो हैं, दो डायन। मैंने अपनी किसी भी विद्या में दो डायन के बारे में नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा कैसे पता चलेगा। नहीं तू चिंता मत करना, कमजोर मत पड़ना तू, मैं कोई ना कोई रास्ता खोज निकालूंगा। हाँ चाचा जी हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अमृत को कुछ नहीं होना चाहिए चाचा जी प्लीज, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज चाचा जी आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ करना होगा मेरे लिए। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा, तू अपना ध्यान रखना। दो डायन आवश्यक बात बताना, तुम्हें भूल ही गया। अगर डायन इस घर तक पहुंच चुकी है तो ये रख लो, तुम इसको घर के हर कोने में रख देना, इस टोटके से महल सुरक्षित रहेगा, ध्यान रखना अपना। तुम यहां पे कहां चला गया? ये तो होटल का प्राइवेट सेक्शन है, यहां पे तो बाहर का कोई भी अलाउड नहीं है। हो सकता है डायन ने उसे किसी मकसद से भेजा हो सकता है वो मुझे अमृत तक पहुंचा दे।